अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैज मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वजीफा है, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में भी पढ़ा है, जहन यानी याददाश्त बढ़ाने का वजीफा है। ये मत सोचना कि बहुत लंबा वजीफा है, पूरे ध्यान के साथ सुनिएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना सबक याद करने में, यानी वो जो पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको याद करने में परेशानी होती है या भूल जाते हैं। कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं जिन्हें बातों को याद रखने में परेशानी होती है या जल्दी भूल जाते हैं। तो उन सभी के लिए ये वसीफ़ा बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो आप ये वसीफ़ा आखिर तक ध्यान से सुने और अमल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो बात याद कर लोगे ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। अल्लाह ताला के दो नाम हैं, या हाफिजू और दूसरा है या हफीज़ू। ये दो अल्लाह के नाम हैं। आपने करना ये है, जब भी आप खाएं पिएं 7 मरतबा दम कर लेना है। इसको मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। जब भी आपने कुछ खाने के लिए लिया या फिर आपने कुछ पीने के लिए लिया, तो फटाफट उंगली पर 7 बार या हाफिजू और 7 बार या हफीज़ू पढ़ा और फिर उस चीज़ पर फूंक मार दी, यानी दम कर दिया, और फिर उसको खा लिया या फिर पी लिया। आपको इसकी आदत बना लेनी है। ये आपने मुसलसल 90 दिन की नियत से करना है। एक आप कॉपी ले लें, उसमें आप दिन लिख लें और नोट करते रहें कि आज पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, ऐसे करके नोट कर लें। इस तरह से आपने ये 90 दिन की नियत से करना है। ये ना सोचें कि 90 दिन कौन करेगा। अगर आप इसको 3 महीने कर लोगे तो ये आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा देगा। ये बड़ा ज़बरदस्त वसीफ़ा है। इसके अलावा एक और अमल है, ये आपको सुबह नहार मुँह, आपने कुछ भी नहीं खाना है, ये एक सूरह है, सूरह अलम नशरा, इसको आपने पढ़ना है और एक गिलास पानी पर दम करके पानी पी लेना है। बस इतना सा काम करना है आपको। ये अमल भी आपने 90 दिन तक करना है। दोनों अमल एक साथ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला वजीफ़ा है। जो वालिदैन देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों के लिए करें, बच्चों से कराएं, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा देगा, आपको भी, आपके बच्चों को भी। जो बच्चे खुद से नहीं कर सकते उनको दम करके खुद दें, बाकी जो पढ़ सकते हैं उनसे पढ़वा कर करवाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बताया यह वजीफ़ा पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।